रात के 12:30 बज रहे थे। जोरों की बारिश हो रही थी। घना अंधेरा था। बादल रह रहकर गरज रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर पर बिजली चमकती तो आसपास की चीजें दिखाई पड़ती थी, अन्यथा आंख को हाथ दिखना भी मुश्किल लग रहा था। बनारस रेलवे स्टेशन के बाहर रमेश अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतजार कर रहा था। इस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद कम थी, फिर भी हो सकता था कुछ देर बाद आने वाली ट्रेन से कोई सवारी आ जाए। करीब 2 घंटे बाद ट्रेन आती है। थोड़ी देर बाद बिजली चमकने पर 21 वर्ष की मॉडर्न सी लड़की हाथ में एक बैग लिए बाहर निकलती दिखती है। वह सीधे उसके ऑटो के पास पहुंची और उससे चलने को कहा। रमेश ने कहा कि रात का वक्त है, इसलिए वहां चलने पर 500 रुपए लूंगा। लड़की बोली ठीक है और वो ऑटो में बैठ जाती है। रमेश ने ऑटो स्टार्ट किया और चल पड़ा सुनसान रास्तों से होते हुए। करीब 1/2 घंटे बाद वह गांव में पहुंचा। कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। तभी अचानक से एक काली बिल्ली उसके सामने से रास्ता काट जाती है। रमेश थोड़ा घबरा जाता। उसने टाइम देखा तो 2:30 बज चुके थे। तभी लड़की ने बोला, भैया आगे वाले मकान के सामने रोक दो। एक पुराना सा टूटा हुआ मकान के बाहर लड़की ने गाड़ी रुकवाई और घर से पैसे लेने की बात कहकर अंदर चली जाती है। जब वह काफी देर तक नहीं लौटी तो रमेश अकेले बैठे बैठे परेशान हो जाता है। उसने सोचा अंदर जाकर देख कर आता हूं कि शायद भूल तो नहीं गई। घर का दरवाजा खटखटाता है। काफी देर बाद एक बूढ़े ने आंखें मलते हुए दरवाजा खोला और उसने पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को किस लिए आए हो? किससे मिलना है? रमेश बोलता है, जो मैडम थोड़ी देर पहले आई हैं, उन्होंने मेरा किराया नहीं दिया है। बूढ़े ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और बोला, यहां तो कोई मैडम नहीं रहती, मैं अकेला ही रहता हूं। तभी रमेश की नजर एक फोटो पर पड़ती है। उसने कहा, यही मैडम तो आई थी, उन्हें स्टेशन से लेकर आया हूं। बूढ़े ने आश्चर्य से देखा और बोला, इस लड़की को मरे हुए 8 साल हो चुके हैं, देखो फोटो पर माला डला हुआ है, ये मेरी पोती थी, यह कैसे आ सकती है? रमेश के होश उड़ जाते हैं। वह चुपचाप डरते डरते अपने ऑटो के पास पहुंचता है। उसने देखा कि सीट पर 500 का नोट रखा हुआ है। रमेश उस समय डर के मारे बिना पैसे लिए अपना ऑटो लेकर चला जाता है और फिर उस बूढ़े ने अपने घर के दरवाजे को
बंद करते हुए कहा, न जाने क्या चाहती है यह लड़की। अगले दिन उस लड़की के दादा उस बूढ़े को अपने शहर से दूर कहीं जाना था, जिसके लिए वो स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने पहुंचे थे। वहीं उनकी मुलाकात दोबारा उस ऑटो चालक रमेश से हो जाती है। रमेश ने खुद उस बूढ़े को देखकर आवाज लगाई, बाबा, ओ बाबा। उस बूढ़े ने रमेश को देखकर उससे कहा, अरे बेटा, कल रात के लिए माफ करना भाई, दरअसल मेरी पोती थोड़ी नटखट थी, इसीलिए वो लोगों को अभी भी परेशान करती है। रमेश ने आश्चर्य से कहा, क्या क्या मतलब, क्या मतलब है इसका, मैं कुछ समझा नहीं। उस बूढ़े ने रमेश को अपनी पोती के बीते हुए अतीत के बारे में बताना शुरू किया। मेरे बेटे और बहू को अपनी संतान में बेटा ही चाहिए था, लेकिन जब मेरी पोती पैदा हुई तो वो निराश हो गए। बचपन से उसे वो लाड प्यार उन लोगों ने नहीं दिया। जैसे तैसे वो बड़ी तो हुई, पर घर में हमेशा उसे डांट फटकार ही पड़ती रहती थी, उसे कोई प्यार नहीं करता था, और तो और न ही उसकी किसी को चिंता थी। एक बार की बात है, उसे बहुत तेज बुखार आया था और वो डांट पड़ने की डर से अपने माता पिता को भी अपने हालात के बारे में नहीं बता पा रही थी। वो सर्दी का समय था और वो चुपचाप अपने कमरे में कंबल ओढ़े दिन भर सोई रही, लेकिन कोई उससे उसके हालात पूछने नहीं गया। एक दिन संयोग से मैंने उसे फोन किया था, फिर उसकी आवाज कांपते हुए आ रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ बेटा, तब उसने मुझे कांपती हुई आवाज में रोते हुए बताया था कि उसके पापा ने उसे दिन में बहुत पीटा था, वो भी मेज पर रखे एक गिलास गलती से उससे टूट जाने पर। उस दिन उसने बहुत रोया था और मुझसे कहा था कि दादू मैं मर क्यों नहीं जाती। वो दिन मुझे आज भी याद आता है। मैं भी ये सुनकर बहुत रोया था कि आखिर मेरी बच्ची के भाग्य में भगवान ने क्या लिखा है। अपने स्कूल के छुट्टियों में जब वो मेरे पास आती थी तो अपने माँ बाप की बड़ी शिकायत मुझसे करती थी। पूरे घर में मैं ही एक उसका सबसे चहेता था, जिसको उसकी सबसे ज्यादा परवाह थी। वो मुझे बहुत मानती थी और प्यार से मुझे दादू कहती थी। एक दिन किसी बात पर उसके माता पिता से अनबन हो गई। गुस्से में उसके पिता ने उसे ये कह दिया कि जाकर तू मर क्यों नहीं जाती, सर का दर्द पैदा कर दिया है हमने। उस दिन मेरी पोती को बहुत बुरा लगा और वो शहर के पास वाली नदी में जाकर मरने के लिए कूद गई और डूबने लगी, और फिर अपना हाथ पांव चला रही थी। संयोग से नदी में कुछ लोग उस दिन स्नान कर रहे थे, उन लोगों की नजर उस पर पड़ी और फिर उन लोगों ने उसे डूबने से बचा लिया। उसके बाद वो कई दिनों तक हॉस्पिटल में थी। जब ये खबर मुझे मिली तो मैं उसके पास गया और फिर उसके ठीक हो जाने पर अपने साथ गांव में कुछ दिनों के लिए ले आया। वो मेरे साथ ही रहने लगी,
लेकिन यह कहते हुए वो बूढ़े बाबा रोने लगते हैं। रमेश ने उनसे कहा, रोइए मत बाबा, चुप हो जाइए। उस बूढ़े बाबा के आंसू पहुंचते हुए रमेश ने उनसे पूछा कि लेकिन क्या बाबा, क्या हुआ था उसके साथ? एक दिन उसके पापा उसे लेने शहर से गांव आए थे। मैंने कहा कि अब वो यहां से नहीं जाएगी, मेरे पास ही रहेगी। फिर तो उसके पिता ने मुझसे कहा कि आपके लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है, यहां गांव में रहेगी तो पढ़ेगी कैसे, और यहां इसका जीवन खराब हो जाएगा। मेरे लाख मना करने पर भी जब वो नहीं माना तो उस दिन पहली बार मेरे बेटे ने उस बच्ची के साथ साथ मेरे ऊपर भी हाथ उठाया था। मैं उस दिन बहुत रोया था और पहली बार कहा था कि भगवान ऐसे बेटे देने से अच्छा है कि एक बेटी दे देता। वो उसे जबरदस्ती खींच कर शहर ले चला। वो उस दिन भी बहुत रोई थी। वो वापस उस जगह पर नहीं जाना चाहती थी जहां से वो खुद को बचा कर आई थी। मैं भी अब कुछ नहीं कर सकता था। उस दिन के बाद से मेरी पोती के मन में अपने ही माता पिता से बदला लेने की चिंगारी जलने लगी। वो उनकी कोई बात नहीं मानती थी और न ही कोई उनके मन के लायक काम करती थी। इसका खमियाजा उसे पिटाई खाकर भुगतना तो पड़ता ही था, लेकिन अब वो जख्म झेलने की आदि हो चुकी थी। उसे अब फर्क पड़ना बंद हो गया था। वो दिन भर कॉलेज में और बाहर ही रहती और शाम में या बीती रात घर आती थी। बाहर समय बिताने के कारण उसकी दोस्ती शहर के कुछ बिगड़े लड़कों के साथ भी हो गई। रात भर पार्टी करना उसका रोज का काम हो गया था और इन सब बातों से उसके मम्मी पापा अनजान थे। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे, बिजली भी चमक रही थी। उस रात देर तक उसके घर न आने पर पहली बार उसके माता पिता को चिंता हुई। उन्होंने मुझे फोन लगाया। वो सोच रहे थे कि कहीं वो मेरे पास गांव चुपके से तो नहीं आ गई, लेकिन उस दिन वो मेरे पास भी नहीं आई थी, बल्कि उस रात वो नशे की हालत में रात 2 बजे घर पहुंची थी। उसने दरवाजे की बेल बजाई तो उसके पापा ने दरवाजा खोला और फिर उसे नशे की हालत में देखकर उन्होंने उसके बाद उसे कमरे में हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसे सिर्फ 2 टाइम खाना देते और उसकी पढ़ाई लिखाई भी उन्होंने बंद करा दी थी। उस बच्ची की हालत अब धीरे धीरे खराब हो रही थी। अब दोस्तों से मिलना जुलना और पार्टी भी सब बंद थी। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। वो अंधेरे को पसंद करने लगी थी। उस कमरे से रोशनी आए अब कई दिन हो गए थे। उस कमरे से अजीब तरह की आवाजें आने लगी थी, कभी पायल की बजती आवाज तो कभी चीखने और चिल्लाने की आवाज तो कभी उसके रोने की आवाज आने लगी थी। फिर किसी को नहीं पता था कि वो रात उसके जीवन की अंतिम रात होगी। उसके साथ बहुत भयंकर घटना घटी। उस रात घड़ी में 12 बज रहे थे और उस बच्ची के मम्मी पापा कहीं बाहर गए हुए थे। आज उन्होंने न उसे खाना दिया था और न ही पानी के लिए पूछा था। उस रात उस कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही थी, न पायल के बजने की, न चूड़ियों की खनखनाहट की, न उसके रोने की और न ही उसके हंसने की।
एकदम शांत माहौल था, लेकिन अचानक से हवा का बहना शुरू हो गया और बारिश भी बहुत तेज शुरू हो गई। हवा ने आंधी का रूप ले लिया था और बारिश ने तूफान का। बादल गरज रहे थे, जोर जोर से खिड़कियां हवा से आगे पीछे हो रही थी। तब तक उस बच्ची के मम्मी पापा के आने की आहट होती है। किसी ने दरवाजा खोला, दरवाजा खुलने पर अंदर उस बच्ची के मम्मी पापा आए। उस रात 2 बज रहे होंगे। उन्होंने खुले खिड़कियों और दरवाजों को बंद किया और तब तक एक कमरे से उस बच्ची की चिल्लाते हुए डरावनी आवाज आती है। आ गए तुम लोग, आ गए घूम के, भर लिया बाहर पेट अपना खाने से। फिर उसकी चिल्लाहट उसके रोने में बदल जाती है और वो रोते हुए बोलने लगी, खाना दे दो मुझे प्लीज, बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। उसके माता पिता शांत थे, लेकिन उसके पहले चिल्लाहट और बाद में रोने वाली आवाज से डर गए थे। और तो और उस रात के भयानक मौसम ने उन्हें और भी डरा दिया था। दरवाजे के नीचे से उस लड़की के मम्मी ने खाने की थाली सरका दी और बोली, ये ले खाना खा लेना और चिल्ला मत, खा के सो जा, इतना चिल्लाने और रोने की जरूरत नहीं है। उस रात उसके पापा ने भी उस पर चिल्लाहट के साथ कहा कि आगे से ऐसा चिल्लाएगी तो पागल खाने भेज दूंगा तुझे। पता नहीं उस रात उसने खाना खाया या नहीं, लेकिन उस रात बिस्तर पर सोए उस बच्ची की मां को नींद नहीं आ रही थी और न ही उसके पापा को। दरअसल वो उस बच्ची को पालने से परेशान थे। उस बच्ची के मम्मी ने कहा, क्यों ना हम इसके दादाजी के पास इसे भेज देते हैं, गांव में रहेगी तो कुछ दिन तो ठीक हो जाएगी, कई दिनों से कमरे में ही कैद है। उसके पापा ने कहा कि नहीं, अगर ये बाबूजी के पास गई तो उन्हें भी परेशान करेगी, मुझे तो लगता है कि ये पागल हो गई है, यहां रहेगी तो एक न एक दिन हमें भी खा जाएगी, इसे पागल खाने भेज देना ही सही होगा। और उन लोगों ने उस बच्ची को अगले दिन पागल खाने भेज देने का फैसला कर लिया। पागल खाने में भेजने की खबर उस लड़की के कानों तक पहुंच जाती है और उसी रात उस बच्ची ने कैसे भी घर से भागने का फैसला कर लिया। उस दिन वो बच्ची अपने कमरे की खिड़की से बाहर की ओर कूद गई और उस रात अकेले सुनसान सड़क पर भागने लगी। वो भागते हुए एक ऑटो को पकड़ा और स्टेशन चली गई। स्टेशन पर आधी रात को वो डरी सहमी सी अकेली लड़की भागने के लिए ट्रेन का इंतजार करने लगी। रेलवे स्टेशन पर सब सुनसान था और न कोई व्यक्ति और न ही कोई स्टेशन कर्मचारी। थोड़ी देर में स्टेशन पर अनाउंसमेंट के अनुसार अगली ट्रेन आने में 2 घंटे का समय था। तब तक उसे इंतजार करना था। उस कपकपाती ठंड रात में वो कांप रही थी। एक कोने में ठिठुर कर बैठे वो ट्रेन का इंतजार कर रही थी। इंतजार करते हुए लगभग 1.5 घंटा बीत चुका था। तब तक 2 मनचुले वहां से गुजरे। उनकी नजर उस बच्ची पर पड़ी और वो उसे चिढ़ाने लगे। जब वो उसके पास गए तब वो उन लोगों से डरकर भागने लगी। उन लोगों ने उसे पकड़ना चाहा। इसके लिए वो मन चले उसके पीछे भागने लगे। तब तक ट्रेन आ जाती है और ट्रेन की आवाज सुनकर वो बच्ची रुक गई
और जैसे ही ट्रेन उसके पास आई तो उन मनचलों ने उसे ट्रेन के सामने धकेल दिया। अगले दिन सुबह उसकी मरी हुई फोटो अखबार में उसके पिता ने देखी। तब उन्हें तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत उस कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि खिड़की की कांच टूटी हुई है और वो लड़की उस कमरे में नहीं है। उन्होंने तुरंत ये बात अपनी पत्नी और अपने बाबूजी को फोन करके बताई। उस दिन उनको बहुत रोना आया था और वो अपने अभी तक के किए कर्म पर पछता रहे थे। वो दिन तो यूं ही बीत गया, लेकिन वो रात बड़ी भयानक थी। दरअसल उस रात उस लड़की के कमरे से फिर पहले जैसे ही चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कभी पायल के बजने की आवाज तो कभी चूड़ियों की खनकने की आवाज। उस कमरे में वो लड़की तो नहीं थी, लेकिन उसकी आत्मा उस घर में अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेने आई थी। उस लड़की ने बेड पर सोए अपनी मम्मी और पापा के गर्दन दबाने शुरू कर दिए और उनके लाख विनती करने के बाद भी वो लड़की नहीं मानी और उस रात उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। लेकिन अभी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। उसे दुनिया से इतनी नफरत हो गई थी कि अब वो समाज के हर दुश्मन को खत्म कर देना चाहती थी। उसकी आत्मा ने अपने ही माता पिता को मारने के बाद अपना घर भी छोड़ दिया और अब वो इसी स्टेशन पर रहती है जहां उसे ट्रेन के आगे धकेल कर मारा गया था। वो हर दिन और हर रात लोगों को परेशान करती है, लेकिन अच्छे लोगों को वो कुछ नहीं करती। जो लोग बुरे होते हैं उन्हें ये एकदम नहीं छोड़ती, बल्कि उनको खूब सबक सिखाती है। ऑटो वाले रमेश का गला ये सब सुनकर सूख जाता है। उसने उस बूढ़े से पूछा, बाबा ये सब अंदर की बातें आपको कैसे पता चली? आप तो अपने गांव में रहते थे ना? बूढ़े ने कुछ नहीं कहा। वो अचानक वहां उस ऑटो वाले रमेश की नजर से गायब हो गया। रमेश समझ गया कि उस बूढ़े बाबा के भेष में वो लड़की ही थी जिसकी आत्मा अभी भी भटक रही है। वो डर गया और उसने तुरंत अपना ऑटो स्टार्ट किया और स्टेशन से निकल गया। पता है इस घटना के बाद रमेश अब कभी भी रात में ऑटो से सवारी लेने उस स्टेशन पर नहीं जाता।